गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंबिका राइडर्स। सुबह के बज रहे हैं 5:15। मैं खड़ी हूँ ले में और मेरे साथ खड़े हैं 5-6 फीमेल्स। बोलो भाई कौन कौन है? रचना मैम, सिल्वाना, नीता मैम एंड अंबिता। हम जा रहे हैं आज सरचू के लिए। सरचू से आगे भी हो सकता है कि हम चले जाएं जो नेक्स्ट स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन है जिस्पा। तो सफर लंबा है इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल आए हैं ताकि अपने सफर को, आज के सफर को, एक तो हिली एरिया है, सारा डस्टी एरिया है, इसको कंप्लीट कर पाए। अभी सुबह बिल्कुल नहीं हुई है, ऊपर आसमान में देखिए पूरे ही स्टार दिख रहे हैं, मून है। इवन पेट्रोल पंप पर कोई लाइट नहीं है। ये हम हॉल ऑफ फेम के बाहर चौक है, उसके नेक्स्ट एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा जो स्टे 257 ट्रांजिट कैंप था वो बिल्कुल हॉल ऑफ फेम के ऑपोजिट था। तो बनी रहेगा, नेक्स्ट आपको मिलते हैं ऑन द वे टू सरचू और जिस्पा। रचना मैम ठीक नहीं थे पर आज पूरे फिट फाइन, तो आज हम राइड करेंगे इकट्ठे। और ये तो अपने हैं फिट बॉस नीता मैम, और ये हमारे लिपस्टिक वाले मैम अमिता। यस, अभी हम उक्षी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टी ब्रेक। सुबह सुबह ठंड लग रही थी और इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है लेकिन ठंड है। सर की ऑर्डर इधर नाल सुनोगे, मैं रास्ते जिस करके रुकया सी कि मैं अपने ग्लव्स चेंज करना, मेनू भी ठंड लग रही थी। थोड़े स्नीज वाले थी ना मेरे, तो दूजे सी ठीक सी। मैं सर दूजे पहन लग रही है नेचुरली पाए फिर। और हम अब खाएंगे यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट और किसने हाँ चाय पीने लगे। बहुत ठंडा मौसम है और ले से चल के हम लोग पहुंच चुके हैं टांग लांगला पास। कोई नहीं, यहाँ पे ठंड बहुत है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। मैं और हरप्रीत पाजी यहाँ पे पहुंच चुके पहले। ये देखिए टांग लांगला पास का ये बोर्ड है, मेरी बाइक वो लगी हुई है और लगता है तो स्नोफॉल हो रही है। बहुत ठंडा मौसम है। और ये आ गए हैं शिवम। यस, तेरा ग्रुप कहाँ रह गए? इसकी हाइट कितनी है? 17,482। ये चलो पाई, जल्दी जल्दी फोटो खींचो और निकलो। यस, यहाँ पे वेदर बहुत ही खराब हो चुका है, ठंड से जान निकल रही है और ये स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और मैं सोच रही हूँ कि एक स्वेटर निकाल कर और डाल लूँ। ये देखिए कैसे स्नोफॉल हो रही है, अभी बहुत छोटी छोटी है पर आगे का वेदर देख के ऐसे लग रहा है कि आगे ज़्यादा होगी। ये देखिए अर्पित भाजी ने भी ठंड लग रही है, ओह, और नरसिम्हन सर को भी ठंड लग रही है। नहीं, पैंट पहनने था, नहीं है पैर, नहीं पहना। पहनो पहनो पहनो, निकालो अभी पहनो, अभी रुकिए। ये देखिए और बुरा हाल हो गया। Good, 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 good. It's snowing. It's snowing. Oh.
और स्नोफॉल का आनंद उठाते हुए पीछे पूरी स्नोफॉल थी। स्नोफॉल को क्रॉस करके हम लोग आगे आ गए और एस्ट्रोनॉट जैसे बने हुए सब, और व्यू इतना ऑसम था कि अपने आप को रोक नहीं पाए कि यहाँ पे रुक के फोटो लेते हैं। आई होप कैमरा जस्टिफिकेशन कर रहा होगा, पीछे व्यू बहुत ही अच्छा है। ये देखिए नरसिम्हन सर। यस, देखा जो मिला वो खाएंगे, वही लंच है, ये भी लंच ही है। जाने तो दे मेरे पास, रुकना। अरे कपिल खा लिया कुछ? क्या पहाड़ है यार लेह लद्दाख के, टोटल ब्यूटी, ब्यूटीफुल। ये है गाटा लूप्स, ध्यान से देखिए, उधर से लेके नीचे तक सभी गाटा लूप्स यहाँ से दिखते हैं। क्या रोड है मस्त सरचू की। हम गाटा लूप्स उतर के, गाटा लूप्स करके सरचू के पास ही बिल्कुल पहुंच गई हूँ मैं। आई थिंक 5 किलोमीटर होगा सरचू यहाँ से। और ब्यूटीफुल रोड है, ऑसम वेदर है, सामने मेरे बहुत बड़े पहाड़ है, उसके ऊपर क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, नीचे ये अच्छा है, और जल्दी ही स्नोफॉल होने वाली है फिर। नहीं 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 नहीं, और सामने तो फील भी किया होगा। ऐसे नहीं, शुरू से बताओ। 12 ला चला पास, आज 12 बजा दिया, 12 बजा दिए। और जब क्रॉस करके बाहर निकले तो क्या लिखा था? ओह माय गॉड, पीछे वाले बंदे। ये बंदा वो है जो कि हुंदर से आते हुए पूरी राइड में से गायब हो गया, और बाद में पता चला कि ये कहाँ जा के आए थे, वो पैंगोंग लेक बोल के कोई। देखो कितना जैसे बच्चा होता है ना नर्सरी वाला, वो झूठ बोल के बाद में मानता है। गुड, एक्चुअली हुआ है ना कि लोगों ने कहा कि यहाँ से राइट मारोगे ना तो पैंगोंग लेक पैंगोंग आ जाएगा। सो ऐसे लिखा हुआ था, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था ना, बोर्ड ही लगा था, पैंगोंग लेक लिखा होता है, डिस्टेंस नहीं लिखा था। इट वाज हॉरिबल कि जब पैंगोंग के लिए पहुंचे ना 38 किलोमीटर ऑफ रोडिंग। हेलो व्यूअर्स, हालत खराब हो रखी है मेरी, मैं हूँ यहाँ पर जिंगजिंग बार में। जिंगजिंग बार ये स्पॉट है एक चाय कॉफी पीने के लिए। सब हमारे जो जितने भी राइडर्स हैं वो 50% पहुंच चुके हैं, और 50% अभी 12 लाचला पास पर अटके हुए हैं। अटके होने का रीज़न ये है कि सब 12 लाचला पास को बहुत लाइटली ले रहे थे, वो बोल रहे थे कि ठीक है उसके पास से हमने निकल जाना है। तो जैसे यूजली होता है कि पास पे इतना वेदर ख़राब नहीं होता, बट आज तो 12 लाचला पास पे सबके 12 ही बज गए। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो वहाँ पे मतलब डिस्टर्ब करने वाली नहीं, स्नो था, बारिश थी, फॉग थी, इवन रास्ता नहीं दिख रहा था। बारिश की वजह से रास्ता पूरा मड से भरा हुआ था,
और ट्रक्स आई जा रहे थे। इतना मतलब माहौल ख़राब था। और जब हमने क्रॉस किया, रोड बिल्कुल ख़राब है। जब क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे जो मोटर राइड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ना दोनों हाथ जोड़ के सभी लेडीज़ को बोला जय हिंद। तो उसे लगता है कि वाकई ऊपर पास को क्रॉस करके आना इतना इजी गेम नहीं थी आज के दिन, क्योंकि पास को पता नहीं वेदर के डिपेंड करता है। स्नो पूरी हो रही थी वहाँ पे और हम लोग हे राम करते करते नीचे आ रहे थे। सो, अभी हमने जाना है जिस्पा, और जिस्पा में वहाँ पे हमारा स्टे है। यहाँ पे हमारे एक भाई बड़े चुप करके खड़े हैं, पता नहीं क्या बात है। ये देखिए क्या हुआ, बहुत देर हो गया, 2-3 घंटा हो गया। ये 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब कि ये विजय करके पहले आ गए थे। जो पहले आ जाता है उसको वेट करनी बहुत मुश्किल होती है, जबकि सब ऊपर 6 बज गया यहाँ पे। क्या हुआ आप बताओ, पास के बारे में आपको कैसा लगा? अभी वसीम जी बताने लगे कि पास का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप फर्स्ट टाइम इस पास को क्रॉस किए? नहीं, ये मेरा तीसरा बार है। तीसरी बार, जितना बार करता हूँ उतना बार अलग अलग एक्सपीरियंस है। ओके, तो लास्ट 2 टाइम से मैं बारिश यानी कि जो स्नोफॉल है वो फेस किया हूँ, और एक बार नॉर्मल सूखा था। हाँ, लेकिन इस बार का जो था बढ़िया था। मोस्टली बारिश पानी के साथ साथ स्नो भी था, तो भीग गया है सब कुछ। और क्या है ना, ये जो पास है ज़्यादा हाइट नहीं है, बट ये पास आज में ज्यादातर स्नो गिरता है, वही सब। पर नहीं, मैंने भी यहाँ पे स्नो फर्स्ट टाइम ही देखा। हाँ। मैंने भी सेकंड टाइम किया है। हाँ। तो पर आज तो वहाँ पे शायद रोड भी ज्यादा खराब है। हाँ, अब खराब है थोड़ा सा। पास को करके वापस आ रहे थे हम लोग, के जा रहे थे, ऊपर से चढ़ाई है। हाँ। और ऊपर से पूरी रोड खराब है और सामने से ट्रक्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और लग रहा था कि गाड़ी अभी घिसी, गाड़ी तो गई खड्ड में, मतलब ऐसे करके ना मन में ऐसे करे अब नहीं आना इधर, अब नहीं आना। लेकिन क्या करे, बाइकर्स हैं, बाइकर जो है वो पागल होते हैं, सब जगह आ जाएंगे, सब चीज को फेस करना पड़ता है। थैंक यू।